hello everyone welcome to my youtube channel ncrt math sub today in this video we will do worksheet number 34 class 10 subject mathematics so in this video we will do some problems based on the trigonometric ratios of 30 degree 45 degree and 60 degree so first of all recall an answer so now you have a table where angle a is 30 degree 45 degree and 60 degree so now you are to tell the value of sine a when a is 30 degree that is 1 by 2 so now when angle a is 45 degrees sine a will be 1 by root 2 and when angle 60 degree then sine a will be and root 3 by 2. So now cos a when angle a is 30 degrees cos a will be and root 3 by 2 when angle a is 45 degree cos a will be 1 by root 2 and when angle a is 60 degree then cos a will be 1 by 2. So as we have already studied in the previous video so you can recall from that video so now tan a टेन ए हमने पढ़ा था देखिए टेन ए क्या होता साइन ए बाय को सो टेन ए विल वन बाय टू अपॉन रूट थ्री बाय टू सो दैट वी विल गेट वन बाय रूट थ्री सिमिलरली टेन फोर्टी फाइव सो विल बी साइन फोर्टी फाइव अपॉन कॉस फोर्टी फाइव दैट इज़ वन सो देखिए वन बाय रूट टू को वन बाय रूट टू से डिवाइड करेंगे हमें क्या मिलेगा वन मिलेगा सो दैट टेन ए विल बी वन सिमिलरली टेन सिक्सटी डिग्री विल भी रूट थ्री बाई टू अपॉन वन बाय टू एंड दिस विल भी एंड रूट थ्री ये हमें क्या मिल जाएगा रूट थ्री मिल जाएगा सो नाउ वी विल यूज़ दिस टेबल For 30 degree 45 degree and 60 degree angles to find some problems so now we have example first you can see evaluate so means we are to find the value of sine 60 degree cos 30 degree plus sine 30 degree and cos 60 degree so now sine 60 degree you have root 3 by 2 and cos 30 degree you can see from here that is root 3 by 2 now plus sine 30 degree that is 1 by 2 sine 30 is 1 by 2 <clears throat> सो साइन थर्टी इज़ वन बाय टू हेयर एंड कॉस सिक्सटी डिग्री दट इज़ वन बाय टू हेयर हमें क्या मिलेगा वन बाय टू सो देखिए रूट थ्री बाय टू इंटू रूट थ्री बाय टू बिकम्स रूट थ्री बाय टू स्क्वायर हमें क्या मिल जाएगा रूट थ्री बाय टू स्क्वायर मिल जाएगा सो देखिए स्क्वायर स्क्रूट कैंसिल हो जाएगा टू टू स्क्वायर क्या हो जाएगा फोर हो जाएगा सो दिस विल भी वन बाय थ्री बाय फोर हमें थ्री बाय फोर मिल जाएगा सिमिलरली वन बाई टू इंटू वन बाय टू हमें क्या मिलेगा वन फोर सो टेक द एल्सियम एंड यू विल गेट फोर फोर दैट इज़ वन सो साइन सिक्सटी कॉस थर्टी प्लस साइन थर्टी इंटू कॉस थर्टी विल बी वन सो नाउ इन द एग्ज़ांपल नंबर टू इंटू एंगल ए बी सी एंगल बी इज़ नाइन्टी डिग्री एंड एंगल सी इज़ थर्टी डिग्री एंड ए बी इज़ फाइव डिग्री फाइव सेंटीमीटर सो नाओ द साइड अपोजिट टू गिवन एंगल विल बी परपेनिकुलर सो दिस इज़ ए बी इज परपेनिकुलर बी सी इज़ बेस एंड ए सी इज़ हाइपोटीनियज एंड वी आर टू फाइंड द लेंथ ऑफ साइड बी सी हमें बी सी फाइंड आउट करना है और ए सी फाइंड आउट करना है सो नाउ perpendicular upon base that is AB by BC will be equals to 10C and 10C we have 30 degree so 5 upon BC will be equals to 30 and 30 you know by the table is it is 1 by and root 3 so BC will be 5 root 3 centimeter now again sin C sin C is perpendicular upon hypotenuse that is AB upon AC so AB we are to we are given that is 5 centimeter and AC we are to find and sin 30 you know 1 by 2 so after simplifying we will get AC equals to 10 centimeter सो नाउ एग्जाम्पल नंबर थ्री इफ टेन ए प्लस बी इक्वस टू रूट थ्री एंड टेन ऑफ ए माइनस बी इक्वस टू वाई एंड रूट थ्री एंड ए प्लस बी इज ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन इक्वल्स टू 90 डिग्री वेर ए इज ग्रेटर देन बी फाइंड वैल्यू ऑफ एंगल ए एंड बी सोल्यूशन देखिए सिंस ए प्लव टू वन रूट थ्री एंड रूट थ्री यू नो टेन सिक्सटी डिग्री देखिए रूट थ्री कहाँ होता है टेन सिक्सटी पर होता है सो दैट हम राइट कर सकते हैं रूट थ्री को टेन सिक्सटी डिग्री सो इंप्लाइज हमें क्या मिल जाएगा ए प्लस बीवस टू डिग्री आप एंगल्स कंपेयर कर लीजिए हमें मिलेगा ए प्लस बी टू सिक्सटी डिग्री also 10 of a minus b equals to 1 by root 3 so 1 by root 3 can be written as 10 30 degree so on comparing we get a minus b equals to 30 degree so solving equation one and two we get a equals to 45 degree and b as 15 degree so a jata 45 degree and b as 15 degree so similarly example number four we have to find we have to evaluate और यू कैन से वी आर डिफाइन द वैल्यू ऑफ साइन थर्टी डिग्री प्लस टेन फोर्टी फाइव माइनस कॉ सिकेंड सिक्सटी डिग्री अपॉन सिकेंड थर्टी प्लस कॉस सिक्सटी एंड प्लस कॉट फोर्टी फाइव इन सभी की वैल्यू अपपुट कर दीजिए टेबल से और आपको सोल्यूशन मिल जाता है आपको मिल जाता है फोर्टी थ्री माइनस ट्वेंटी फोर रूट थ्री अपन एलेवन सो नाउ मूव हैड फॉर द प्रैक्टिस क्वेश्चन वी हैव फॉर प्रैक्टिस क्वेश्चन सो द फर्स्ट वन इज इफ साइन ऑफ ए माइनस बी इक्वस टू वन बाय टू एंड कोस ऑफ ए प्लस बी इक्वस टू वन बाय टू देन ए प्लस बी इज ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन नाइन्टी डिग्री देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस ए एंड बी हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सो वी हैव साइन ऑफ ए माइनस बी इक्वल्स टू वन बाई टू बट यू नो वन बाई टू कैन बिटना एज साइन थर्टी डिग्री क्योंकि साइन थर्टी डिग्री का वैल्यू भी क्या होता है वन बाई टू होता है सो नाओ यू कैन सी ऑन द बोथ साइड लेफ्ट एज वेल एज राइट एंड साइड देखिए हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशो सेम है साइन साइन सो वी कैन कंपेयर द एंगल वैल्यूज सो वी वील हैव ए माइनस बी एज थर्टी डिग्री सो रीशन वन इसको इक्वेशन भवन दे दीजिए सो नाओ कॉस ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स टू वन बाई टू एंड यू ऑल नो वन बाई टू कहाँ होता है देखिए कॉस में कॉस सिक्सटी डिग्री को आप राइट कर सकते हो वन बाय टू और यू कैन से वन बाई टू को राइट कर सकते हैं हम कॉस सिक्सटी डिग्री सो so, देखिए टी रेशो शो हमारा सेम है कोस और सोमेंगल कंपेयर कर सकते हैं और हमें मिल जाता है ए प्लस बी इक्वल्स टू सिक्सटी डिग्री सो नाउ वी हैव टू इक्वेशंस ए माइनस बी एज थर्टी डिग्री एंड ए प्लस बी एज सिक्सटी डिग्री सो ऑन एडिंग दीज इक्वेशंस वी विल गेट ए माइनस बी इक्वल टू थर्टी डिग्री एंड ए प्लस बी

इवेल्युएट कॉस फोटी फाइव अपॉन सेकेंड थर्टी प्लस कॉस सेकेंड थर्टी सो हमें इसको सिंप्लीफाई करना है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है सो कॉस फोटी फाइव यू नो फ्रॉम द टेबल दिस इज वन बाय रूट टू एंड सेकेंड थर्टी दैट इज द रेसिवरकल ऑफ कॉस थर्टी दट इज टू बाई रूट थ्री एंड कॉस थर्टी दट इज रेसिव्रकल ऑफ साइन थर्टी दैट इज वन बाय टू उसका रेसिवरकल करे में क्या मिलेगा टू बाई वन सो कॉस सेकेंड थर्टी मिल जाएगा टू बाय वन सो नाउ टेक एल्शियम इन द डोमिनेटर सो यू विल हैव टू प्लस टू रूट थ्री अपॉन रूट थ्री सो नाउ रेसिवरकल सिस्टम

टू सिम्प्लीफाई इट सो नाव देखिए रूट थ्री को रूट थ्री से किया थ्री बन जाएगा एंड रूट थ्री को माइनस वन से किया तो माइनस रूट थ्री इंटू रूट टू एज इट इज नाव देखिए आप क्या किया रूट टू को रूट टू से मल्टीफ्लाई किया तो मिलेगा रूट टू स्क्वायर दैट इज टू एंड टू इंटू टू बिकम्स फोर है इट इज ए प्लस बी ए माइनस बी बिकम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्र सो दैट स्क्स रोड कैंसिल हो जाएगा थ्री माइनस वन बिकम्स टू टू इंटू फोर बिकम एट सो थ्री माइनस रूट थ्री इंटू टू अपन एट बन जाएगा हमारे पास इसको सिम्प्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा जैसा कि आप देख सकते हैं हमें मिल जाता है थ्री रूट टू माइनस रूट सिक्स अपॉन एट दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन यू कैन पॉज द वीडियो एन इट डाउन सो नाउ प्रोसीड फॉर द क्वेश्चन नंबर थ्री यू वेल्युएट टू टेन स्क्वायर फोर्टी फाइव प्लस कॉस स्क्वायर थर्टी प्लस साइन स्क्वायर सिक्सटी डिग्री सो टू टेन स्क्वायर फोर्टी फाइव प्लस कॉस स्क्वायर थर्टी प्लस साइंस स्क्वायर सिक्सटी डिग्री कैन बी रिटन एज टू इंटू टेन फोर्टी फाइव हॉल स्क्वेयर कोस थर्टी डिग्री हॉल स्क्वेयेर एंड साइन सिक्सटी हॉल स्क्वेयर सो नाउ टेन फोटी फाइव की वैल्यू होती है वन सो टू इंटू वन स्क्वायेयर कोस थर्टी होता है आपका रूट थ्री बाई टू सो हॉल स्क्वेयेर एंड साइन सिक्सटी होता है रूट थ्री बाई टू हॉल स्क्वेयर सो टू इंटू वन एंड स्क् रूट विल कैंसिल एंड थ्री टू जो फोर सो थ्री बाय फोर एंड हेट इज़ ऑल्सो थ्री बाई फोर सो नाव टू प्लस थ्री बाय फोर प्लस थ्री बाई फोर सो नाव टेक एलसीय एंड यू विल गेट एलसीियम इज़ फोर

एंड नाउ पुस्टी मीन्स जस्टिफिकेशन हमें करनी है सो जस्टिफाई हमें करना है यहाँ पर जस्टिफिकेशन हम कहना चाह रहे हैं यहाँ पे पुस्टी मीन्स जस्टिफिकेशन सो टू टेन थर्टी अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थर्टी सो देखिए हमारे पास क्या है टू टेन थर्टी अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थर्टी एंड यू नो टेन थर्टी इज वन बाय रूट थ्री सो टू इंटू वन बाई रूट थ्री अपॉन वन प्लस वन बाय रूट थ्री हॉल स्क्वायर सो दिस विल बी टू बाई रूट थ्री इन द न्योनेटर एंड इन द डोमिनेटर वी विल हैव टू बाई रूट थ्री अपॉन देख सकते हैं आप डिनोमिनेटर में क्या होगा वन